आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन इज, ऑल्दो फ्लोरीन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, येट द डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 जो कि दिया हुआ है 0.24 इज मच लोअर देन दैट ऑफ NH3 जो कि है 1.46 d। तो हमें एक्सप्लेन करना है कि इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो लोअर क्यों है और इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो इससे NF3 से ज्यादा क्यों है। ठीक है, तो देखो अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो कैसे बनता है, हम इधर बनाते हैं NH3 का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखो यहाँ पे लोन पेयर होते हैं हमारे, ठीक है, H H एंड H। ठीक है, ये हमारा NH3 हुआ। ठीक है, इधर देखते हैं हम NF3 का। ठीक है, NF3 के लिए स्ट्रक्चर तो देखो सेम ही होता है, लगभग इस तरह से होता है F F एंड F। ठीक है, अब इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या होता है, इसका होता है इसका होता है 1.46 d। ठीक है, और जो NF3 का डाइपोल मोमेंट है वो है हमारा 0.24 d। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो वैसे तो देखो फ्लोरीन जो होता है हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी फ्लोरीन की ज्यादा होगी नाइट्रोजन से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है नाइट्रोजन की, वो क्या होती है, ज्यादा होती है हाइड्रोजन से। ठीक है, तो जो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा हमारा, नाइट्रोजन से इधर जाएगा, इस तरह से होगा। ठीक है, इधर जाएगा और इधर जाएगा। ठीक है, और जो ये हमारे लोन पेयर्स हैं तो इसके कारण जो जो डायरेक्शन लगेगा वो भी क्या होगा, इधर जाएगा। ठीक है, तो ये जो डाइपोल मोमेंट है, जो जो ये डायरेक्शन है ये एड अप हो जाएंगे। ठीक है, एड अप हो जाएंगे, तो इसलिए जो इसका डाइपोल मोमेंट होगा NH3 का, हमारा डाइपोल मोमेंट DM लिख दे, इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, वो हमारा ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो क्या है, एड अप हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर चेक करते हैं कि यहाँ पर कितना आता है, कम क्यों आता है। देखो क्या होता है, यहाँ पर हमारा जो फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन से। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन से, तो जो इसका डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इधर की साइड होंगे, मतलब डायरेक्शन इधर होगा हमारे डाइपोल मोमेंट का, तो ये तो इधर आएगा। ठीक है, और इधर लोन पेयर होने के कारण इसका डायरेक्शन हमारा इधर होगा। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं, ये तो ऊपर की साइड जा रहा है, ये हमारे नीचे की साइड आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारे कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब डायरेक्शन ही जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, कम ही होगा। ठीक है, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो कितना आता है, वो आता है मतलब कितना आता है, वो तो होता है 0.24 d और कम होता है ये। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पर बोला गया है कि क्या बोलते हैं, सिर्फ यही पूछा गया है कि NF3 का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो मच लोअर होता है, ठीक है, NH3 से क्यों। ठीक है, तो देखो रीजन बता दिया है कि NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा क्यों होता है और NF3 का कम क्यों होता है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।